वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जनमत की परीक्षा हो रही है। दंतेवाड़ा उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनमें कांग्रेस आगे चल रही है। बुलेटिन में सबसे पहले खबर दंतेवाड़ा के दंगल की। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद ये चुनाव हुए थे उपचुनाव यहाँ, और मंडावी के लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और बीजेपी ने उनकी पत्नी ओजस्वी मंडावी को टिकट दिया था। तो वहीं कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता महेंद्र सिंह कर्मा की पत्नी दीप्ति कर्मा उम्मीदवार थी। महेंद्र कर्मा की भीरम गाती के नक्सली हमले में जान चली गई थी। और आपको बता दें कि आज मतगणना हो रही है हुए उपचुनाव की। तीसरे चरण में कांग्रेस में लीड बनाकर रखी हुई है। कांग्रेस को मिली है 1500 मतों की लीड और अब तक कुल 4278 मतों से कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस में जश्न का माहौल। इसी खबर अधिक जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जिस तरीके से देखा जाए दोनों ही पार्टियों ने पूरा थमथम लगाया और दोनों ही पार्टी एक तरीके से देखा जाए सहमति की लहर सोच रही थी और उसी के तहत आगे बढ़ रही, तो उसी की तरह दोनों ही प्रत्याशी उतारे गए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लीड बनाकर चल रही है, बीजेपी के लिए खुशखबरी तो नहीं कही जा सकती ऐसे, और जश्न जरूर शुरू हो गया है कांग्रेस में। वाला दंगल की जो आखिरी दौर है वो अब चल रही है। लगभग 3 राउंड की गिनती अभी वहां पर हुई है और जो खबरें हमको निकलकर सामने आ रही, करीब 4200 से ज्यादा वोटों से ज्योति कर्मा ने बढ़त बनाई हुई है और ये बढ़त शुरू से बनी हुई थी। पहले 1500 वोट, फिर 3000 वोट और अब 4000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रही है। इस प्रकार से निश्चित तौर पर जो शुरुआती रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं वे दर्शाता है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने वहां पर काम किए, जिस तरीके से पट्टा बांटने का काम आदिवासियों को वहां पर हुआ, तो निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं और जो काम उन्होंने इस 9 महीने की सरकार में वहां पर किया है उसका निश्चित तौर पर लाभ सरकार को मिलता दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान, हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, करीब 20 राउंड के जो गिनती है वो होने हैं और अभी 3 राउंड हुए यानी 17 राउंड की गिनती अभी और बची है। लेकिन जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, एक बड़ी बढ़त की ओर जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं ज्योति कर्मा वो बढ़ रही हैं। भाजपा की ओजस्वी जो प्रत्याशी हैं ओजस्वी मंडावी उनको लगातार वो पीछे छोड़ती जा रही हैं और लगातार जो बढ़त है वो जो लगातार उनकी बढ़ रही है। पहले 1500 की थी, पहले उसके बाद 3000, उसके बाद तीसरे राउंड में जो पूरी बढ़त है 4200 की हो गई है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मेहनत वहां पर कांग्रेस ने की थी, एक तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम, करीब 1 महीने तक उस इलाके से वो हिले तक नहीं थे, दंतेवाड़ा में ही रहकर पूरी जो चुनावी तैयारी है, एक तरीके से चुनावी मोर्चा है वो संभाले नजर आए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार उन्हीं इलाकों तक गए थे जो पूर्व मुख्यमंत्री उस इलाकों में नहीं गए हैं, उन इलाकों में जाकर उन्होंने वोट मांगा था। तो निश्चित तौर पर जो मेहनत कांग्रेस ने की थी वो उसका फल यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भाजपा की कोशिश थी कि संवेदना की वोट उनको मिल जाएगी, क्योंकि भीमा मंडावी विधायक थे दंतेवाड़ा के, नक्सलियों ने उनकी हत्या की थी, उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी और ये भाजपा इस उम्मीद में थी कि उनकी पत्नी को वोट देकर कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश की जाए। लेकिन बीजेपी की यह चाल कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए का नतीजा है कि ज्योति कर्मा लगातार बढ़त बनाई हुई है। ठीक है, हमें तो हमारे साथ बने रहेगा सीधे अपडेट के साथ, तो चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज सिंह भदौरिया। पंकज, जिस तरीके से देखा जाए पाला जो है बिल्कुल एक तरीके से कांग्रेस की तरफ जा रहा है, वोटों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल दीपक, पाला कांग्रेस की तरफ में शुरुआती डाक मतपत्रों से ही दिख रहा है। अब तक 4 राउंडों की गिनती हो गई है, 4317 मतों से कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति कर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। 20 चरणों में पूरी गिनती होगी। फिलहाल बारसूर इलाके का जो ग्रामीण इलाका है उस तरफ से मतपेटियां खुली हैं और उधर के रुझान आ रहे हैं। अब शहरी अंचलों में गिनती अब शुरू होगी, तो अब देखना यह होगा कि शहरी इलाकों में जो भीमा मंडावी की शहादत हुई थी वो फैक्टर काम करता है या फिर 9 महीने का जो कांग्रेस का जो विकास का
सेक्टर है वो चलता है। जी पंकज, वाकई यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 9 महीने का विकास जो किया है भूपेश सरकार ने, उसका ही कमाल है। ये वाकई उसी का कमाल है कि लोगों के यहाँ, क्योंकि यहाँ एक ऐसा क्षेत्र बताया जाता है जो आज भी जो वोट का मतलब इंदिरा गांधी लोगों के दिमाग में आता है, तो वही चीज चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि दंतेवाड़ा जैसे सुदूर अंचलों में विकास का फैक्टर के साथ साथ में जिस प्रत्याशी की छवि बन जाए या फिर जिसका प्रचार जहां तक पहुंच जाए अंदर में, तो उस छवि के आधार पर उसकी पार्टी लीड बनाती है। कांग्रेस की सरकार है, सत्ता सत्ता का पावर बड़ा होता है, सत्ता अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो बड़े से बड़े परिणाम को भी वो बदल लेती है अपने पक्ष में। जी पंकज, जिस तरीके से अभी हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी के साथ जो लगातार ये घटनाएं सामने आई हैं, लगातार जो मामले सामने आए हैं, क्या उसका भी असर इस क्षेत्र में पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा क्षेत्र सुदूर इलाके का होता है जहाँ पर लोग थोड़ा सा शहरी बातों से या और अन्य बातों से कम जुड़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा इलाके में जो पढ़े लिखे जो क्षेत्र है वहां पर किसी घटना का असर पड़ता है, जैसे कि मथुराम कांड का खुलासा हुआ तो उससे उन सब घटनाओं का असर पढ़े लिखे इलाकों में पड़ता है, लेकिन जो दंतेवाड़ा का ट्राइबल जोन है जहाँ पर अभी शिक्षा का स्तर कम है वहाँ पर ऐसी घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी बीजेपी कुछ समय पहले 370 धारा हटाई थी तो व्यापक पैमाने में शहरी अंचलों में मतलब खुशियां मनाई गई और बीजेपी की बड़ी जीत बनाई गई, लेकिन बीजेपी उसको शहरी अंचलों में भुना सकती है लेकिन दंतेवाड़ा जैसे ट्राइबल इलाके में इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आज भी वहाँ पर संचार की व्यवस्थाएं कमजोर है, शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था कमजोर है, इसलिए यहाँ पर उन इलाकों में इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। अपन तो यहाँ पर जो ग्रामीण है वो नक्सलियों से बहुत परेशान रहते हैं, कोई निजात दिलाए कोई सरकार, लेकिन ना ही ऐसी से कोई खास पहल बीजेपी की सरकार ने की, ना ही अब तक कांग्रेस है। तो जिस तरीके से देखा जाए लोगों का झुकाव अभी जो नतीजे आ रहे हैं तो उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ है। बिल्कुल सही बात है, दंतेवाड़ा जैसे इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद है, क्योंकि नक्सलवाद के ही चलते विकास का पहिया यहाँ पर थमा हुआ है। दोनों सरकारें, एक सरकार 15 साल यहाँ पर काम करके गई, इसमें नक्सलवाद के पीछे ढकेलने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं रही, तो वही जो 9 महीने की नई सरकार है, नई नवेली, इस सरकार के भी जो बड़े लीडर जब कैंपेनिंग में आए चुनाव प्रचार में, तो उन्होंने कहीं पर नक्सलवाद जैसे मुद्दे को इस चुनाव पर एजेंडा नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा ये एजेंडा है कि दंतेवाड़ा जैसे ट्राइबल जोन पर हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, या फिर हमारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो नक्सलवाद पर धाराघात करेंगी। जी तो नीतियों का असर माना जा सकता है भूपेश सरकार की, चाहे वो कर्ज माफी हो, चाहे वो 2500 रुपए पर धान खरीदी हो, या फिर तेंदुपत्ता को राशि है जो बहुत बढ़ा दी गई हो, इन जो किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो बनाई गई योजनाएं, ये ज्यादा कारगर लग रहा साबित हुई है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूपेश सरकार की योजनाएं हैं, वनोपज में जो उन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाया, तो उन्होंने धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाया, ठीक है, और साथ साथ में जिसकी सरकार। पंकज, आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से अभी वोटिंग चल रही है उससे बिल्कुल खुशी की बात है, और मैंने सुना है कि कांग्रेस में जश्न का माहौल है। निश्चित रूप से 3 चरणों की गणना के परिणाम आए हैं और तीनों ही चरणों में कांग्रेस आगे चल रही है। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी बस्तर से अब उनका एक भी सीट नहीं रही। वे बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत की, लेकिन बस्तर की जनता ने भाजपा मुक्त बस्तर तो बना दिया है। लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जिस तरीके से देखा जाए, आप इस जीत को अभी जीत नहीं कहा जा सकती, बस शुरुआती रुझान आना शुरू हुआ है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाँ, बढ़त जो बनी हुई है तो वो काबिले तारीफ है, वो ज्यादातर जो एक दूरी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसे आप क्या मानते हैं, कांग्रेस की नीतियों का असर या आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बस्तर के हित में, बस्तर में रहने वालों के हित में, किसानों के हित में जो कदम उठाए, कर्ज माफ किया, धान की खरीदी 2500 रुपए में कर रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने का दाम 4000 किया, बस्तर विकास प्राधिकरण का प्रमुख एक बस्तर के आदिवासी लखेश्वर बघेल को बनाया, और बस्तर में जो पहले भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं होती थी, सिद्दा गेलूर, सार के गुड़ा, एड़ा स्मेटा,
उस अत्याचार और अनाचार के क्रम से बस्तर को मुक्ति मिली है। पूरे प्रदेश में आज खुशहाली का वातावरण है, समृद्धि का वातावरण है, और इन सब बातों का लाभ कांग्रेस उम्मीदवार देवती कर्मा जी को मिला, शहीद महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा को मिला। बिल्कुल शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिस तरीके से देखा जाए कि एक सहमति वोट जहां कांग्रेस ने कोशिश की थी तो वहीं बीजेपी ने भी की थी, लेकिन कांग्रेस आगे निकल गई, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ने ही सहमति वोट गेन करने की कोशिश की थी। एक अंतर, शहीद महेंद्र कर्मा जब लौट रहे थे सुकमा से, उस समय कांग्रेस नेताओं की पूरी पीढ़ी की शहादत हुई थी, उस समय सुरक्षा नहीं दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन भीमा मंडावी जी के मामले में मामला ठीक उल्टा था। उन्हें तो अपनी सुरक्षा वापस कर दी, और ईआई के मना करने के बावजूद जिस दौर माओवादियों की उपस्थिति थी उस दिशा में वे गए। जनता सब कुछ समझती है, और निश्चित रूप से भीमा मंडावी जी की मौत एक दुखद घटना, लेकिन उन्हें धोखे में किसी न किसी ने माओवादियों के नाम से ही बुलाया था। एक अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच में जनता ने जरूर करने का काम किया है। तो आगे चल के और जो चरण होने वाले हैं, 20 चरण बताए जा रहे हैं, तो इसमें क्या रुझान हो सकते हैं, क्या नतीजे निकल सकते हैं, क्या चौथे चरण की काउंटिंग के बाद भी कांग्रेस आगे हो गई है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। ठीक है, चौथे राउंड में देवती कर्मा जी को 3300 वोट मिले हैं और ओजस्वी मंडावी उनसे पीछे है। इस प्रकार चारों राउंड में कांग्रेस अभी तक आगे है। हमें पूरा विश्वास है कि ये बढ़त आखिरी तक बनी रहेगी। चलिए, तमाम जानकारी को जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका सर। और हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, हेमंत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पंकज सिंह भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। हेमंत, अगर बात की जाए जिस तरीके से एक कांग्रेस ने बढ़त जरूर हासिल कर ली है, लेकिन बीजेपी समझ नहीं आ रहा कि आखिर चूक कहां गई, क्योंकि बीजेपी ने जो एक तरीके से देखा जाए पुराने विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, हालांकि अब उपचुनाव थे तो उसमें बीजेपी ने एक सीट गेन की थी और बड़ी राहत की बात थी, लेकिन ये सीट गंवा देना, इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जहां वोट के लिए सहमति वाला कार्ड चला था तो बीजेपी ने भी ये भी कार्ड चला था, और बीजेपी ने हर भरसक कोशिश की थी जो कांग्रेस ने की थी, तो इसे जाहिर सी बात है इसे कांग्रेस की नीतियां या फिर 9 महीने का जो उनका काम है वही कहा जा सकता है इसे। देखिए दीपक, इस पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो भाजपा के पास कोई एजेंडा ही नहीं था। वो सिर्फ सहानुभूति के जरिए वोट बटनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जनता, जैसे कि रुझान सामने आ रहा है, उस मुद्दे, उस एजेंडे को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। तो कभी भी, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, तमाम जो भाजपा के दिग्गज हो, तो इलाकों में जाकर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक जो एजेंडा है वो सामने नहीं रखा। सिर्फ वो सहानुभूति, वो भीमा मंडावी की जिक्र करते रहे कि भीमा मंडावी ने वहां पर इतने विकास के काम किए थे, लेकिन जनता है वो अब सहानुभूति के जरिए वोट नहीं देती। जो परिदृश्य है वो अब बदला सा नजर आता है। पहले चीजें जरूर होती थी कि सहानुभूति के जरिए कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, लेकिन जो वो अब परिदृश्य है वो एक तरीके से खत्म नजर आता है। और आपने जैसे जिक्र किया कि जो 9 महीने की सरकार है, जो काम उन्होंने बस्तर के क्षेत्र में किए हैं, वो निश्चित तौर पर वो काम आ रहे हैं। इस तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार 7 से 8 बार बस्तर का दौरा कर चुके हैं। पूरी तरीके से अभी देखा जाए, जब दंतेवाड़ा के लिए प्रचार चल रहा था, वो खुद चर्चर 55 जगहों पर उन्होंने रोड शो किया था, लोगों से सीधा संवाद उन्होंने किया था, और एक तरीके से उन्होंने कोशिश की थी, और उन्होंने एक वादा भी किया है दंतेवाड़ा की जनता से कि अगर आप द्युति कर्मा को जिताते हैं तो दंतेवाड़ा की विकास की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की होगी। तो ये जो तमाम बातें हैं वो जनता के दिमाग और दिलों में बसी, और इसी का नतीजा है कि ज्योति कर्मा लगातार चौथे राउंड तक भी बढ़त बनाई हुई है। ठीक है, तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा हेमंत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रायपुर से आ रही है, जहां